आज इस एमएसएमई औद्योगिक मेले और प्रदर्शनी के अंदर हमारे बीच में पधारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार में लघु उद्योग, खादी और विभिन्न विभागों के मंत्री माननीय श्री नारायण राणे जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। नारायण राणे जी महाराष्ट्र के एक बहुत संघर्षशील व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने जीवन भर गरीब शोषित व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तन करने का काम किया और समाज के अंदर किस तरीके से लोगों की जिंदगियों को बेहतर हो उसके लिए लगातार उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में काम किया। मुझे आशा है आपके नेतृत्व के अंदर भारत के अंदर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को नई दिशा मिलेगी और आने वाले समय के अंदर हमारा एमएसएमई सेक्टर जो आज भी देश के अंदर आर्थिक ग्रोथ का इंजन है, जो आज भी हमारे आर्थिक तंत्र का महत्वपूर्ण उद्योग है, जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है, उसमें आपके विजन से नई दिशा मिलेगी। साथियों, इस देश के अंदर एमएसएमई का योगदान 30% है और रोजगार की दृष्टि से देखें तो सबसे ज्यादा अगर रोजगार मिलता है तो एमएसएमई सेक्टर के अंदर रोजगार मिलता है। और आने वाले समय के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जी का मानना है कि एमएसएमई सेक्टर केवल हमारे भारत का नहीं ग्लोबल आर्थिक तंत्र बने और इसीलिए एमएसएमई सेक्टर के अंदर सरकार ने बहुत नीतियां बनाई है, पॉलिसीज बनाई है और इन नई नीतियों पॉलिसी के माध्यम से छोटे छोटे गांव के अंदर भी किस तरीके से हम लघु उद्योग लगाकर, सूक्ष्म उद्योग लगाकर, कुटीर उद्योग लगाकर, खादी ग्राम उद्योग लगाकर लोगों की जिंदगियों को कहीं बेहतर कर सकते हैं और रोजगार भी दे सकते हैं। और इसीलिए सरकार ने एक और प्रयास किया है कि हर जिले के अंदर जो वहां का प्रोडक्ट हो उस प्रोडक्ट को आने वाले समय के अंदर ग्लोबल मार्केट मिले उसके लिए भी एक डिजिटल सिस्टम को डेवलप किया है ताकि कोई भी छोटे गांव के अंदर भी कोई प्रोडक्ट बनाता है, कोई वैल्यू एडिशन करता है तो उसका मार्केट राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हो सके। और इसीलिए आने वाले समय के अंदर इस देश के अंदर समाज के अंदर अगर परिवर्तन लाना है, लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है, गांव के अंदर रोजगार देकर लोगों की नौजवानों की जिंदगियों को बेहतर करना है तो इस सेक्टर के ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे माननीय मंत्री जी ने चिंता व्यक्त की और ये मेरे लिए विशेष चिंता का विषय है कि किसी जमाने में कोटा औद्योगिक नगर कहलाता था और आज देश के अंदर सबसे कम ऐसे एमएसएमई सेक्टर के रूप में हम खड़े हैं। और इसीलिए
इस मेले और प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य भी यही है। हमने पहले डिफेंस एक्सपो लगाया, डिफेंस की बड़ी बड़ी कंपनियां आई ताकि डिफेंस सेक्टर की छोटी छोटे लघु कुटीर उद्योग एमएसएमई इंडस्ट्री लगे। उसके बाद हमने कृषि स्टार्टअप मेला लगाया, क्योंकि हाड़ौती कृषि प्रधान है, हम किस तरीके से किसान की आमदनी को भी बढ़ाएं और वैल्यू एडिशन करकर गांव के अंदर जो उत्पादन हो रहा है, जो फसल पैदा हो रही है, उसका वैल्यू एडिशन करकर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी दे सके। और उसमें कुछ बेहतर स्टार्टअप भी आए थे। और आज ये एमएसएमई का जो मेला है, ये मील का पत्थर साबित होगा। हमारे नौजवान साथियों, हमारे जीवन के अंदर पढ़ने के साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, हमारे हर काम में उद्यम में होना चाहिए। अगर हमारा विजन, हमारा रिसर्च, हमारा इनोवेशन इस दिशा की ओर होगा, तो आने वाले समय में आप नौकरी लगाने वाले होंगे, नौकरी मांगने वाले नहीं होंगे। क्योंकि मैं देखता हूं, जब भी मैं रोजगार मेला लगाता हूं, हजारों की तादाद में नौजवान आते हैं। अब इन नौजवानों को कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से नए स्टार्टअप लगाएं, गांव के अंदर छोटे लघु कुटीर उद्योग लगाएं, हस्तकला शिल्प कला के उद्योग लगाएं और गांव में उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने के लिए आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हो। यहां इंडस्ट्री सेक्टर के लोग भी बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि हमें नई इंडस्ट्री सेक्टर को अगर डेवलप करना है तो नए नए इनोवेशन, नए जो रिसर्च हो रहे हैं, नए जो परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों को कोटा में लाकर और इंडस्ट्री सेक्टर के लोगों को बताना चाहिए। क्योंकि कोटा वह शहर है जो रोड कनेक्टिविटी के अंदर सबसे बेहतर है। आने वाले समय में दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर बनने के बाद 4.5 घंटे में दिल्ली और 7.5 घंटे में आप बम्बई पहुंचेंगे। आने वाले समय में चंबल एक्सप्रेस बनने के बाद आप कोटा से चलकर इटावा, इटावा से उत्तर प्रदेश कानपुर तक 5.5 घंटे 6 घंटे में कानपुर तक पहुंचेंगे। ये रोड कनेक्टिविटी किसी भी क्षेत्र के अंदर आर्थिक प्रगति का घोतक होता है। हमारी रेल कनेक्टिविटी, हमारी रोड कनेक्टिविटी और सबसे बड़ी बात, किसी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए पानी, चंबल माँ का हमें वरदान है, पानी की कोई कमी नहीं है। बिजली के हर तरह के उद्योग, कोयले से लेकर, गैस से लेकर, एटॉमिक पावर से लेकर, तमाम जिस तरीके की बिजली पैदा हो सकती है वह कोटा में पैदा हो सकती है। और राजकुमार जी चर्चा कर रहे थे एयरपोर्ट की भी, आप समय की चिंता करो, बहुत जल्दी एयरपोर्ट भी आ जाएगा ताकि हर तरह की कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी काम करना है आपको कि हम किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर को डेवलप करें। अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, कोटा में कोचिंग बनने के बाद हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के लोग भी हॉस्टल की तरफ बढ़ गए। हमें हॉस्टल बनाना ये हमारा काम हो सकता है, लेकिन जो बेसिक हमारा काम था, हमारी एंटरप्रेन्योरशिप थी, वो इंडस्ट्रीज की थी। और इंडस्ट्रीज के लिए आज नारायण राणे जी यहां हैं, देश के कई अलग अलग हिस्सों से यहां पर इंडस्ट्रीज के लोग आए हैं। आप उनको देखें, समझें और किस तरीके से भविष्य में और इंडस्ट्री लग सकते हैं उसकी कार्य योजना बनाएं। निश्चित रूप से हमारा लक्ष्य 2 साल में होना चाहिए कि हम कोटा को फिर औद्योगिक नगरी बनाएं, हाड़ौती की औद्योगिक नगरी बनाएं, चाहे कोटा हो, बूंदी हो, बारा हो, झालावाड़ हो, पूरा तमाम क्षेत्र को कब किस तरीके से हम इंडस्ट्रीज का हब बना सकते हैं, छोटे छोटे लघु कुटीर उद्योग लगाकर
हर गांव के अंदर हम नौजवानों को रोजगार दे सकते हैं। मैं जब गांव में जाता हूं तो मैं देखता हूं कि छोटी इंडस्ट्रीज भी अगर गांव में आती है तो 25 लोग 50 लोग काम पे लग जाते हैं। ये अगर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हर छोटे छोटे गांव में लगने लग जाए तो आसपास के गांव के अंदर रोजगार का इससे बड़ा साधन नहीं हो सकता। इसलिए मेरा हमेशा प्रयास रहता है कि आने वाला भविष्य इस देश को बदलने के अंदर, इस देश को नई दिशा देने में, इस देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ा सेक्टर एमएसएमई सेक्टर है और सरकार का सारा ध्यान इस एमएसएमई सेक्टर के अंदर है और सरकार की योजना है कि आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर भारत ट्रेड के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, टूरिज्म के अंदर हब बने और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के एम्बेसीज को कहा है कि इस इलाके के अंदर देश में छोटे ट्रेड को बढ़ाने के लिए, भारत के उत्पादों को लाने के लिए और जो देश में अच्छी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को भारत में लाने के लिए और टूरिज्म बढ़ाने के लिए ये काम हमें करना है और ये सब एमएसएमई सेक्टर के दायरे में आते हैं। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर हम सबके प्रयासों से, आज 3 दिन मेला लगेगा, यहां आप कुछ समझेंगे, कुछ देखेंगे और उसके बाद जब राणा जी दोबारा आएंगे तो उनको 36,000 की जगह 60,000 एमएसएमई इंडस्ट्री लगे। उनके सपनों को, अपने सपनों को पुराओ। सरकार की तरफ से हर तरीके का सहयोग देने को तैयार है। आप चिंता मत करिए, चाहे बैंक हो, चाहे कोई भी सेक्टर हो, आपको इंडस्ट्री लगाने में हर तरीके की सहायता मिलेगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।